आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए क्या क्या विशेष घटनाएं घटी है युगों युगों से कार्तिक माह की अमावस्या को। दीपावली मनाए जाने के पौराणिक, ऐतिहासिक और अन्य कारणों को जानिए। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्म सहित सभी धर्म के लोगों को दीपों का पर्व अर्थात दिवाली का इंतजार साल भर रहता है। सनातन धर्म के लोग इस दिन माता लक्ष्मी, माता सरस्वती एवं भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करते हैं। इसके अलावा दिवाली पर घरों में साफ सफाई, रंग रोगन किया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं, फटाखे, नए वस्त्र आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस से 5 दिनों के दिवाली महोत्सव में खरीदारी भी जमकर की जाती है। इस सबसे बाजार में व्यापारिक गतिविधियां तेज हो जाती है, जिसके चलते सभी की आय में बढ़ोतरी भी दर्ज की जाती है। आइए आज हम आपको दिवाली मनाए जाने के पौराणिक, ऐतिहासिक एवं अन्य कारणों से अवगत कराते हैं। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूली। त्रेतायुग में भगवान श्री राम जब लकापति अधर्मी रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तब उनके आगमन पर अयोध्या के निवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गई। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के 6th गुरु हरगोविंद सिंह जी जब मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से आजाद होकर अमृतसर वापस लौटे थे, तब खुशियां मनाई गई थी। यह दिवाली का ही अवसर था। भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के 1 दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। राक्षसों का वध करने के लिए मां देवी ने महाकाली का रूप धारण किए। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गए। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हो। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। 4th शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और नदी के किनारे घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के ही दिन शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिए। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। कल्पसूत्र में कहा गया है कि महावीर निर्वाण के साथ जो अंतरजायती सदा के लिए बुझ गई है, आओ हम उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बहिर्जायती के प्रतीक दीप जला। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हु। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि लेल। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जन नायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिए। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन ए इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। मोहन जोदड़ो सभ्यता के अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली।
तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश नहीं किया और 3 पग पृथ्वी दान में दे विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिए। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।